आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यारी ऐप के बारे में। अगर आपने यारी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और अभी तक आपको डिलीवर नहीं हुआ है, अगर आपको स्टेटस प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर रेडी टू शिप दिखा रहा है या फिर क्रिएट दिखा रहा है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे मैं आपको ऑर्डर सेक्शन में अपना दिखा दूँ, मेरे कुछ प्रोडक्ट्स जो है डिलीवर हो चुके हैं। अगर आपने उनका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ जो कि है, मैं आपको सबसे पहले ये एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये मैंने ऑर्डर किया था, मैं आपको दिखा दूँ, 14 दिसंबर को मैंने ऑर्डर किया था और जो है शिप है आज हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी को ये आज शिप हुआ है, यानी कि 16 दिन के बाद आज ये शिप हुआ है ये प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम इसको लगता है। तो आपको मैं बता दूं क्यों लगता है टाइम और आपका जो प्रोडक्ट है वो शिप होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो रिफंड कैसे मिलेगा, वो सब आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस पर जो है मुझे 16 दिन लगे हैं। तो आपको मैं बता दूँ जितने भी आपने ऑर्डर किए हैं यारी से वो 101% आपको शिप हो जाएंगे, 101% आपको डिलीवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। टाइम इसलिए लगने वाला है क्योंकि जब इन्होंने 9 रुपीज़ की सेल रखी थी तब बहुत सारे लोगों ने ये जो है ऑर्डर कर लिए थे, तो उसकी वजह से सेलर को हज़ारों ऑर्डर आए थे। तो हज़ारों ऑर्डर शिप करने में तो टाइम लगता है, तो इस वजह से आपको 20 दिन तक का टाइम लग सकता है सेलर को शिप करने में। जैसे कि मेरा इसमें 16 डेज़ का टाइम लगा है शिप होने में। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपका जो है क्रिएटर दिखा रहा है तो आपका शिप हो जाएगा 15-20 डेज में। अगर अब आपका प्रोसेसिंग दिखा रहा है या फिर रेडी टू शिप दिखा रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रेडी टू शिप दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको बैग जाना है, यहाँ पर आपने क्रोम ओपन कर लेना है और ऊपर आपको क्रोम पर डिलीवरी सर्च कर देना है। आपको यहाँ पर ऐसे मैं आपको दिखा दूँ, डिलीवरी आपको यहाँ पर लिख देना है। जब आप डिलीवरी लिख देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ़ोन नंबर आपको मांगे, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर अपना डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट OTP क्लिक करना है और आपके नंबर पे एक OTP आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी आपके ऑर्डर है, जितने भी आपकी यारी के ऑर्डर है, वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, मेरा एक ऑर्डर था जो आपको मैंने दिखाया, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है इसमें प्रॉब्लम आती है। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो है, यहाँ पर आवर एग्जीक्यूटिव इज आउट फॉर पिकअप, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो सेलर से उठाने गया था। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है शिपमेंट नॉट रेडी फॉर पिकअप, यानी कि सेलर का जो सेलर ने जो हमारा पार्सल है वो भी पैक नहीं किया है। तो ये 2 से 3 दिन, यानी कि 2 से 3 दिन लगेंगे। यहाँ पर भी आपको अगर दिखा रहा है ऐसे शिपमेंट नॉट रेडी फॉर पिकअप, तो 2 से 3 दिन में आपका जो है पार्सल पिक हो जाएगा। अब बहुत सारे केस में ऐसा होता है, देख सकते हैं ऐसा भी होता है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर मेरा और एक ऑर्डर है, देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 17 दिसंबर को स्टेटस आया है, शिपमेंट डिटेल मैनिफेस्टेड फिर पिकअप नॉट डन। अगर आपको ऐसा कोई स्टेटस आ रहा है, यहाँ पर आपको देखना है, अगर आपको ऐसा कोई स्टेटस आना है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा टेल अस हियर हैव अ क्वेरी टेल अस हियर, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर आपको करना क्या है, एनी अदर क्वेरी पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरा पिकअप नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा जो पिकअप है वो जल्द से जल्द करवा दीजिए। तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना है अच्छे से। तो यहाँ पर उसके बाद आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है, कोरियर कंपनी है वो जल्द से जल्द आपका पिकअप जो है सेलर से करवा देगी और आपके घर पर डिलीवर करवा देगी। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर कैंसिल होता भी है, किसी रीज़न से कैंसिल होता है, पहले तो होगा नहीं, अगर होता है तो आपको 101% सारा आपको रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा। बैंक अकाउंट आपको कैसे ऐड करना है, ऊपर 3 लाइन्स पे क्लिक यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको बैंक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपनी सारी बैंक की डिटेल्स ऐड कर देनी है और जो भी है आपका जो कैंसिल अगर होगा कोई ऑर्डर तो आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपका जो ऑर्डर 101% डिलीवर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक दुआ में रखिए, अल्लाह हाफिज़।